मार लेती है जी। क्या ऐसी कांग्रेस को रहने दोगे क्या? कांग्रेस ने यहां पेपर लीक माफिया को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने यहां ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बना दिया, काली कमाई का जरिया बना दिया। केंद्र सरकार राजस्थान के विकास के लिए पैसे भेजती रही, कांग्रेस उसे भी लूटती रही। यहां भीलवाड़ा में पानी की कितनी दिक्कत रहती है ये मुझे पता है। अब भी कितने ही घरों को, हजारों लोगों को चंबल के मीठे पानी का इंतजार है, लेकिन केंद्र सरकार ने पानी से जुड़ी योजनाओं के लिए जो पैसे भेजे थे, कांग्रेस ने उसमें भी घोटाला कर दिया। यही कांग्रेस की पहचान है, उसे गरीब और मध्यम वर्ग की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का पंजा सिर्फ गरीब पर झपटता मारना वाला ऐसा नहीं है, वो गरीब को, मध्य प्रदेश को, मध्य वर्गीय लोगों को, हर किसी को तबाह करता है। कांग्रेस के सारे काले कारनामे लाल डायरी में दर्ज हो चुके हैं, और इसलिए लाल डायरी का नाम सुनते ही गहलोत जी गुस्से से लाल हो जाते हैं। ये गणपति प्लाजा के लॉकरों से सोना की ईंटें निकल रही है, सोने की ईंटें। आपको मालूम है ना, जयपुर में गणपति प्लाजा लॉकर तोड़े गए, क्या निकला? सोने की ईंटें। और सोने की ईंटें वहां निकलती है और गहलोत को ये सोना सोने नहीं देता है। और लाल डायरी में सीएम का बेटा खुद गारंटी दे रहा है, सीएम का बेटा खुद कह रहा है पापा की सरकार अब नहीं आएगी। अब राजस्थान का बच्चा बच्चा कांग्रेस के हर नेता को कह रहा है, गहलोत जी कोनी मिले वोट जी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान के लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस ने कल अपना गुमराह पत्र जारी किया है। इस गुमराह पत्र कांग्रेस ने वही चालाकी दिखाई है जो पिछले 7 दशकों से करती आ रही है। कांग्रेस दशकों से कह रही है कि वो गरीबी खत्म करेगी, क्या कांग्रेस देश में गरीबी खत्म कर पाई? ये भाजपा की सरकार है, ये आपका सेवक है, जिसने 5 साल में 13.5 करोड़ लोग से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यानी कि भाजपा की दिशा सही है, भाजपा का रास्ता सही है, भारत का, भाजपा का मकसद नेक है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, जहां कांग्रेस की सोच खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। और मोदी जो गारंटी देता है वो पूरी हुए बिना चैन से नहीं बैठता। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा, कांग्रेस के लोग जब अपने झूठे वादों का पुलिंदा बना रहे थे, उससे पहले ही मोदी ने अपनी गारंटी वाली गाड़ी रवाना कर दी थी।
वोटिंग होने खत्म होने के बाद राजस्थान के गांवों में भी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचेगी। सरकारी दफ्तर में नहीं बल्कि आपके मोहल्ले में, आपकी धाणी में, आपके इलाके में आकर गारंटी पूरी की जाएगी। जिन बहनों को अभी पक्के घर का लाभ नहीं मिला है, जिनके घर नल से जल नहीं पहुंचा है, जिनको मुफ्त का इलाज का गारंटी कार्ड नहीं मिला है, जिन बहनों के घर मुफ्त बिजली और गैस कनेक्शन नहीं लगा है, जो मोदी की बीमा योजना और 3000 रुपए की पेंशन योजना से नहीं जुड़े हैं, उन सभी को आप बता देना कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके इलाके में आ रही है। वहां आप ऐसी हर योजना से जुड़ सकते हैं। मेरे परिवारजनों, राजस्थान भाजपा ने भी बहनों को, किसानों को, दलित भाई बहनों को, आदिवासियों को, हमारे युवा साथियों को बड़ी मजबूती के साथ उनके उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिम्मेवार पूर्ण गारंटियां दी है। कहने तो नहीं कहा है, जिम्मेवारी के साथ कहा है। हर जिले में महिला थाने, थानों में महिला डेस्क और पुलिस में बेटियों की अधिक से अधिक भर्ती ये भाजपा करने वाली है। बेटी अच्छे से पढ़े, इसके लिए मुफ्त पढ़ाई के साथ साथ 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। भीलवाड़ा जिले में केंद्र की सहायता से भाजपा सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। राजस्थान भाजपा ने कमजोर वर्गों के बच्चों की पढ़ाई के लिए 1200 रुपया देने का भी वायदा किया है। साथियों, किसान कल्याण भी भाजपा की प्राथमिकता है। राजस्थान भाजपा ने तय किया है कि किसानों के एमएसपी के साथ साथ बोनस भी दिया जाएगा। राजस्थान की भाजपा सरकार पीएम किसान सम्मान निधि 12000 रुपये कर देगी। मैं पशुपालक साथियों को भी बता दूं कि केंद्र सरकार गोवर्धन योजना चला रही है। इसके तहत राजस्थान में डेयरी उद्योग के विस्तार के साथ साथ गोवर्धन प्लांट भी लगाए जाएंगे। इससे किसानों को दूध के साथ साथ गोबर से भी कमाई होगी और बदले में सस्ती जैविक खाद भी मिलेगी। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की तरह हवा में बातें करके विकास नहीं होता, युवाओं को नौकरियां नहीं मिलती। नौकरियों के लिए राजस्थान को निवेश चाहिए, निवेश के लिए ईमानदार शासन चाहिए, शांति चाहिए, अच्छी सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था चाहिए। ये कांग्रेस के 5 साल में नहीं मिला तो आगे क्या दे सकते हैं वो। कांग्रेस की उपेक्षा के कारण भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पहचान धूमिल हो गई है। यहां कांग्रेस ने बिजली का जो खेल खेला उसने उद्योगों को चौपट कर दिया। कितने ही उद्योग भीलवाड़ा से चले गए हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद भीलवाड़ा के पुराने गौरव को फिर से लौटाने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाएंगे। आपके यहां बिजोलिया तो अपने खनन प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के खनन माफियाओं ने यहां की पहाड़ियों पर जो तबाही मचाई है उसे भी बंद किया जाएगा। भाजपा सरकार का प्रयास है कि हाल में राजस्थान को 2-2 वंदे भारत ट्रेनें मिली है। भीलवाड़ा से होकर उदयपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस यहां के लोगों का जीवन सरल कर रही है। साथियों, वोटिंग के लिए अब सब बस कुछ ही दिन बाकी है। भाजपा के हर कार्यकर्ता ने बहुत परिश्रम किया है। राजस्थान की जनता का अभूतपूर्व सहयोग है और इसलिए अब दिन रात कर करके हमें घर घर जा करके भारी मतदान कराना है। ऐसा तो नहीं होगा ना
कितनी बड़ी सभा हो गई कोटरी में, दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। शायद ऐसी सभा बड़ी पहले हुई होगी नहीं कि भगवान जाने। इतनी बड़ी सभा, तो फिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप लोग ये सोचेंगे कि भाई चलो अब तो जीत गए, सो जाओ। ऐसा तो नहीं होगा ना, बहुत काम कर लिया, अरे इतनी बड़ी सभा कर दी, अब तो लोग वोट दे देंगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। घर घर जाओगे, कमल खिलाओगे। देखिए ये दिवाली अभी अभी गई है और आपने देखा होगा घर में हमारी माताएं बहनें दिवाली में इतनी सफाई करती, इतनी सफाई करती हैं, कोने कोने में छोटी छोटी बारीक बारीक जगह पर भी सफाई करती है कि नहीं करती है? आपने भी देखा है सफाई करती है कि नहीं करती है? कहीं छोटा सा भी कूड़ा कचरा रहने देती है क्या? देखिए लोकतंत्र की दिवाली भी 25 तारीख को है। जैसे माताएं बहनें सफाई करती है ना, वैसी सफाई आपको करनी है, करोगे? हर पोलिंग बूथ में कांग्रेस साफ, पक्का। कमल के सिवाय कुछ भी नहीं खिलना चाहिए, ये आपकी गारंटी है? मुझे तो जनता जनार्दन की गारंटी ही सुप्रीम लगती है। तो गारंटी पूरी करोगे? अच्छा, आप एक काम और करोगे, मेरा निजी काम है, करोगे? अरे यार, चुनाव वाला तो बड़े जोर से बोलते हो, ये निजी काम वाला धीरे से बोल रहे हो, करोगे क्या? कि अपने मोदी जी भीलवाड़ा कोटरी आए थे, सबको बताना घर घर जाकर के कि अपने मोदी जी आए थे। पीएम मोदी मत बताना, अपने मोदी, मैं तो आपका हूं ना। और इसलिए बताना, अपने मोदी जी कोटरी आए थे। और हर एक को कहना, हर परिवार को कहना कि मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। इतना मेरा मैसेज दे देंगे, जब हर परिवार को मेरा राम राम पहुंचेगा ना, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। और जब हर माता बहन से मुझे आशीर्वाद मिलता है ना, तो मेरी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। हर आशीर्वाद में ऊर्जा की जड़ी बूटी होती है, हर आशीर्वाद में संकल्प का सामर्थ्य होता है, हर आशीर्वाद में देश के लिए जीने की बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। और इसलिए हर घर जाकर के मेरा राम राम पहुंचाओगे? पक्का पहुंचाओगे? अच्छा, इतना कड़ा धूप है, मैं आपका ज्यादा सा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। अच्छा, मैं एक संकल्प बोलूंगा, आप दोनों हाथ उठाकर आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। ऐसा नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, कमल चुनेगा, कमल चुनेगा राजस्थान। ऐसे नहीं, मैं बोलता हूं पूरा, आप तो रिपीट कीजिए, कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। अब मैं बोलता हूं, उसके बाद बोलना है आपको, ठीक है? भीलवाड़ा का गौरव, देश की पहचान, आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान।
भीलवाड़ा का गौरव देश की पहचान, बहन बेटियों का सम्मान, आस्था संस्कृति का उत्थान, भ्रष्टाचारियों की बंद होगी दुकान, माफिया अपराधी पकड़े कान, तुष्टिकरण का काम तमाम। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।